हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जीके जीएस। शिवशंकर जीके जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप लोग का आज अभी अभी शाम 4 बजे दिन संडे को 19/7/2020 को टेस्ट हुआ है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का, जिसमें 20 क्वेश्चन था। ऑनलाइन टेस्ट हुआ, डायरेक्ट लाइव हुआ ना गूगल पे, डायरेक्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ। 20 क्वेश्चन था, 80 नंबर का था। अगर एक गलत तो एक नंबर कट जाती थी, लेकिन नेगेटिव मार्क्स नहीं था, ठीक है। यानी 80 नंबर का था, और किसने कितना नंबर लाया वो तो आपने देखा, वो तो खुद आपने तुरंत देख लिया जब आप टेस्ट दिए। टेस्ट देने के बाद, एक सब क्वेश्चन देने के बाद नीचे में आया था आपका सबमिट का बटन, तो सबमिट किए थे। सबमिट किए करने के बाद उसके बाद एक आपका फिर एक और बटन आता है ब्लू कलर का, जिसमें होता है व्यू। फिर व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी रैंक निकल के आती है कि आपने कितना में कितना सही बनाया और कौन से आंसर कौन कौन गलत किया, सब पूरी डिटेल निकल के आती है। तो आप लोगों ने तो देख लिया टेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट होगा। आपको हर संडे को टेस्ट होगा, अगले संडे को साइंस का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, जिसमें आपका होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से, और भी 25 या 50 क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, उसी क्वेश्चन का, उसी जो टेस्ट पढ़ा था उसी का यहाँ पे आंसर हम बता रहे हैं। आंसर तो वहां पे भी मिल गया है, लेकिन यहाँ पे भी बताता है। जो बच्चा अभी तक टेस्ट नहीं दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके टेस्ट वाला लिंक ले लो और जाकर एक टेस्ट दे दो, ठीक है ना, जो एग्जाम देना चाहता है पारा मेडिकल का। देखिए, भारत का सबसे लंबा, पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तक आपने क्या मारा था, क्या मारा था आपने, तीसरा ऑप्शन था हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध था, तो क्या हो जाएगा आंसर, हीराकुंड बांध। उसके बाद विश्व का प्रथम, जैसे आज आपको टेस्ट लिए हैं बिल्कुल एग्जाम में इसी टाइप का, चार ऑप्शन का टेस्ट रहेगा, एग्जाम होगा पारा मेडिकल एग्जाम या फाइनल एग्जाम में, आपका चार ऑप्शन रहेगा जिसमें एक को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पुस्तक, क्या बोल रहा, प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन था। तो ऑप्शन में था भारत, ऑप्शन में था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन में था और क्या, चीन। तो आपका जो पहला देश है पुस्तक मुद्रित करने वाला वो था चीन। कौन था, चीन था। राइट आंसर चीन मारे है ना, नहीं मारे तो मिला लीजिएगा। उसके बाद केंद्र सरकार की हृदय, क्या बोल रहा है, इस सब का क्वेश्चन का पीडीएफ व्हाट्सएप पे दे देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। केंद्र सरकार की हृदय योजना, हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी। यानी केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू किया था जिसका नाम था हृदय, और उस योजना के अंतर्गत वह योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया था। तो वो योजना शुरू किया गया था विरासत विकास के लिए, लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि गायत्री मंत्र, क्या बोल रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपका वहां पे ऑप्शन था अथर्ववेद, अर्जुवेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो क्या हो जाएगा सटीक आंसर, आपका ऑप्शन नंबर शायद डी था, जो ऋग्वेद ऑप्शन, क्या ऋग्वेद सही हो जाएगा, आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए सबसे कम उम्र क्या होना चाहिए। तो सभी बच्चा ने मारा था, सभी स्टूडेंट ने मारा है डी ऑप्शन, यानी 18 वर्ष, लेकिन गलत है। अरे 18 वर्ष होना चाहिए वोट देने के लिए, अपना मुखिया चुनने के लिए, अपना राज्य का शासन राजा चुनने के लिए, ना कि चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा में चाहिए आपको कम से कम 25 वर्ष, कितना, 25 वर्ष, ऑप्शन ए मार लीजिएगा, सही मिला लीजिएगा। उसके बाद भारत में उच्चतम मानव, यानी छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है।
किस राज्य में है? भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा विकास किस राज्य में उच्चतम हुआ है? तो वो ऑप्शन में था पहला गुजरात, उसके बाद था तमिलनाडु, उसके बाद ऑप्शन में था महाराष्ट्र, फिर एक ऑप्शन था केरल। तो सबसे ज्यादा सूचकांक विकास कहाँ हुआ है? तो वह हुआ केरल, केरल ऑप्शन में है, मार लीजिए सटीक आंसर। उसके बाद द गुड अर्थ किसने लिखा? क्या द गुड अर्थ किसने लिखा? तो किसने लिखा? पर्ल एस बकने, मिला लीजिएगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो आपको ऑप्शन में क्या था, टेस्ट में, टेस्ट वाले क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन में क्या था प्रबल अम्लीय में? पहला ऑप्शन था पीएच मान 7, दूसरा ऑप्शन था पीएच मान 14, तीसरा ऑप्शन था पीएच मान 0, चौथा ऑप्शन था पीएच मान 3। तो बोल रहा था कि निम्न में से कौन जिसका प्रबल अम्लीय है, तो क्या बताए थे कि 0 पर रहेगा तो अम्लीय, 0 से ऊपर अम्लीय, 0 से नीचे क्षारीय, यानी 7 से कम है, 7 से ज्यादा। तो यानी कहने का मतलब कि उसमें ऑप्शन जो था सी नंबर ऑप्शन pH 0, ये सबसे यानी प्रबल अम्लीय होता है। pH 0 मान जिसका होता है, जिस पदार्थ का, वह प्रबल अम्लीय होता है। उसके बाद था नाभिकीय, यानी 9वां नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम आता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम में आता है? ऑप्शन में था पहला यूरोनियम, दूसरा कोयला, तीसरा डीजल, चौथा रेडियम। यानी आपका जो नाभिकीय ईंधन के रूप में काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में, वो होता है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, मिला लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन में है कि बैला डीला, क्या बोल रहा है? बैला डीला, इसको पढ़िएगा बैला डीला, इन्हें कि पढ़ लीजिएगा बैला ढीला, बैला ढीला ना है, बैला कसते है। बैला डीला किससे, क्या बोल रहा है? बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैला डीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में लौह अयस्क था ना ऑप्शन नंबर ए में, तो जिसने भी मारा वो सही है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? अरे निम्नलिखित में से किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, लिख लीजिएगा। आपको ऑप्शन में 19 दिसंबर है ना, मार लीजिएगा 19 दिसंबर। उसके बाद था 13-12 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय मानव एकता दिवस में ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देख लीजिए। ऑप्शन में दिया है आपका 19 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर भी दिया होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 20 दिसंबर। उसके बाद है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में होगा 14 दिवस, 14 दिसंबर होगा ऑप्शन में, है ना, उसको लगा लीजिए ठीक, 14 दिसंबर सही है। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरण में विभक्त है, विभक्त मतलब बांटा गया अधिकरण में, तो 15, कितना 15 में, ऑप्शन में है ना 10, 11, 12, 13, 15। उसके बाद वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, ऑप्शन में होगा कौशाम्बी, आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद यानी जितने भी मंत्री सबका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसको लिख लीजिएगा। ऑप्शन में होगा प्रधानमंत्री, मिला लीजिए। अलवरों ने किसकी भक्ति गीतों का लोकप्रिय बनाया? अलवरों ने किसकी भक्ति गीतों का लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन में क्या है, विष्णु, ऑप्शन में होगा शिव, ऑप्शन में होगा सूर्य, ऑप्शन में होगा वासुदेव। तो किसको बनाया था?
सूर्य को लिख लीजिएगा, किसको? सूर्य को। उसके बाद माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया था? तो बनाया था सोलंकी ने। सोलंकी ऑप्शन में है ना, सोलंकी चंदेल होगा, सोलंकी भी है, पाल भी है, तो बनवाया था दिलवाड़ा मंदिर सोलंकी ने। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मीत छरा, क्या बोल रहा है, मीत छरा के रचयिता कौन था? तो आपको देखिए ऑप्शन में दिया हुआ होगा, धर्मपाल लिखा हुआ ऑप्शन में है ना, अरे ज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर है, चंदेश्वर है, तो धर्मपाल भी होगा। तो मीत छरा के रचयिता कौन था? धर्मपाल था। ऑप्शन मिला लीजिएगा, धर्मपाल सही होगा। उसके बाद 20 नंबर अंतिम क्वेश्चन कहता है कि राजदूत डायोनीसी, क्या राजदूत डायोनीसी के किसके दरबार में आया था भारत? तो किसके दरबार में आया था? तो आया था महाराज दशरथ के दरबार में। किसके दरबार में? महाराज दशरथ के दरबार में। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो टेस्ट हुआ उसका क्वेश्चन का आंसर, ऐसे आपका आंसर तो वहां पे पता चल ही गया था। और सब क्वेश्चन का देखिए एक बात, सब क्वेश्चन के आप अगर आंसर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप मिल गया, और साथ में जो भी स्टूडेंट नया है जो टेस्ट नहीं दिया है वो व्हाट्सएप पे करके कम मैसेज करके टेस्ट का लिंक ले लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ लिखा हुआ होगा टेस्ट लिंक, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वहां पे बनाइए, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितना सही बनाया कितना गलत, तुरंत पता चलता है। उसके बाद आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने के बाद अंतिम में नीचे सबमिट का एक बटन आया होगा, सबमिट का बटन आया होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो एक और बटन आएगा ब्लू कलर के, ओरा में लिखा होगा VEWS व्यूज, इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो फिर पहले इस पे ओकर बाद इस पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला की सबमिट कीजिएगा तब व्यू आएगा, तो व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा दिखा देगा कि कौन से क्वेश्चन आपने सही बनाया और क्या गलत बनाया, अगर गलत बनाया तो उसका आंसर सही क्या आएगा, और आपको कितना में 80 नंबर में कितना नंबर आया तुरंत बता देगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और एक बात, हर संडे को आपका टेस्ट होगा, अगला संडे को साइंस का टेस्ट होगा।